हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल HVAC टेक गाइड। पिछले एक वीडियो में हम लोग देखा था हनीवेल थर्मोस्टेट इस्तेमाल करके कैसा वायरिंग करना है, पैकेज यूनिट नहीं तो डक्टेबल स्प्लिट यूनिट में कैसा वायरिंग करना है, और उसका जो टर्मिनल्स का बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन किया था। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाला है उसका जो हनीवेल थर्मोस्टेट का उसका जो इंस्टॉलेशन सेटअप करना है कैसा करना है, और जो उसका जो रिलेस है कंप्रेसर का रिले और हीटर का रिले, फ़ैन का रिले, उसका मैनुअल ऑन करके कैसा टेस्ट करना है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप नया थर्मोस्टेट इंस्टॉल करते हैं हनीवेल का, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हैं। कभी आप दो स्टेज थर्मोस्टेट इंस्टॉल करते हैं, कभी एक कंप्रेसर चालू नहीं होता है, कभी एक हीटर चालू नहीं होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। कभी आपको सेट करना पड़ेगा, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहेगा अभी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट चेंज करना है, नहीं तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको जो कैसा चेंज करना है, इंस्टॉलेशन सेटअप कैसा करता है, रिले का जो टेस्टिंग कैसा करते हैं, आज इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। अगर आप AC फील्ड में नया है, इसका बारे में नहीं मालूम है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात है, अगर आप मेरे चैनल पे नया है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद हो गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो थर्मोस्टेट है हनीवेल का सिंगल स्टेज थर्मोस्टेट है। सिंगल स्टेज थर्मोस्टेट इसलिए बोलते हैं थर्मोस्टेट को, क्योंकि इसमें एक ही कंप्रेसर का जो चला सकते हैं, एक ही कंप्रेसर का आउटपुट इसमें से मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक ही Y है, एक W एक है, एक कंप्रेसर और एक हीटर चला सकते हैं, इसलिए जो थर्मोस्टेट को सिंगल स्टेज थर्मोस्टेट बोलते हैं। इस टाइप थर्मोस्टेट में जो हनीवेल का जो थर्मोस्टेट है, इसमें डबल स्टेज भी आता है, उसमें आपको दो कंप्रेसर और दो हीटर का आउटपुट मिल जाएगा। उसमें आपको दो ही फर्क आता है, उसमें आपको दो टर्मिनल और एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक Y2 टर्मिनल आएगा और W2 टर्मिनल और एक्स्ट्रा आएगा, अगर टू स्टेज थर्मोस्टेट है तो। तो इसका जो मैं एक डिटेल वीडियो पिछले वीडियो में किया है, इसको वायरिंग कैसा करना है, इसका टर्मिनल का क्या है, डेसिग्नेशन किया है, इसको पूरा मैं पिछले एक वीडियो में किया है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग इसको जो इंस्टॉलेशन सेटअप कैसा करना है देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए आपको जो ये जो थर्मोस्टेट है, इसका यूज़र इंस्टॉलेशन मैनुअल का ज़रूरत है आपको। अगर आप नया थर्मोस्टेट लगाते हैं, उसका साथ में आपको इंस्टॉलेशन जो सेटअप है, ये जो बुक आप साथ में मिलेगा। अगर नहीं तो भी मुश्किल नहीं, आप इसको जो है गूगल से इसका जो मॉडल नंबर सर्च करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें इंस्टॉलर सेटअप में टोटल 14 सेटअप आते हैं। नंबर 1 के बाद में 2 3 3 के बाद में फिर 5 आता है, 5 के बाद में 6 7 7 के बाद में फिर 9 आता है, 9 10 10 के बाद में 12 आता है, 12 के बाद में 14 और 15 26 27 28। तो ये पूरा मिलके टोटल 14 सेटअप आते हैं। इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे करना है, ये जो मैनुअल में इसमें बराबर लिख के रखा है। इसमें अब इसमें देख सकते हैं, ये जो फैन का जो बटन है और अप पुश बटन है, ये साथ में प्रेस करना है। थोड़ा देर साथ में प्रेस करेगा, आपको ये ऑप्शंस आ जाएगा, सारा ये 14 ऑप्शन है ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको टेस्ट करके देखता हूँ पहले। तो मैं ये जो फैन का बटन है ये और अप पुश बटन है, साथ में प्रेस करना है, ये प्रेस करेगा आपको जो ऑप्शन है आ जाएगा। अभी नंबर 1 आया, नंबर 1 में क्या आता है, सिस्टम टाइप है। इसमें आपको सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो स्टेट का हिसाब से, नहीं तो आपको जो सिस्टम यूनिट का हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका यूनिट में दो कंप्रेसर आता है और आपका थर्मोस्टेट में दो कंप्रेसर का ऑप्शन है, टू स्टेज है, तो उसका हिसाब से आप जो भी है सेट करना है। इसमें अगर हीट नहीं चाहिए तो कूल ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, हीट ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो मेरे ये जो थर्मोस्टेट है ये सिंगल स्टेज का है, इसमें एक कूल का ऑप्शन है, एक हीट का ऑप्शन है, तो मैंने इसको 0 में सेट किया। अगर आपको चेंज करना क्या है तो ये चेंज कर सकते हैं आप, इसमें जो भी है, कितना दो कंप्रेसर है तो दो कंप्रेसर, नहीं दो हीटर है, नहीं तो खाली कूल ओनली है, वो कोई भी है आप सेट कर सकते हैं।
तो आप सबसे पहले जो ऑप्शन है नंबर वन का ऑप्शन, इसमें जो भी सेट करता है उसका हिसाब से आपको जो पीछे जो भी आता है उसका हिसाब से सेटिंग आ जाएगा। अगर इसमें एक कंप्रेसर सेट करेगा आप उसका हिसाब से एक ही कंप्रेसर का सेटिंग नीचे आ जाएगा, अगर दो सेट करेगा उसका हिसाब से नीचे दो भी दो कंप्रेसर का सेटिंग आएगा, दो हीटर का सेटिंग आएगा। तो आप ये देख के सेट करना है। तो मैंने इसमें सेट किया, इसको ज़ीरो में सेट करते हैं मैंने, क्योंकि मेरा जो थर्मोस्टेट है सिंगल स्टेज का है, इसके लिए मैं ज़ीरो में सेट किया। फिर नेक्स्ट स्टेज का, अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए जो बटन है सिस्टम बटन है प्रेस करना है। ऑप्शन नंबर थ्री में क्या है देखेंगे अभी। ऑप्शन नंबर थ्री में आके क्या आता है, फ़ैन कंट्रोल है, फ़ैन कंट्रोल इन हीटिंग मोड में है। अगर आप हीटर चालू करेगा उसमें आपको फ़ैन ऑन होना चाहिए और बंद रहना चाहिए, वही पूछता है। अगर ज़ीरो में सेट करें आपको बंद रहेगा हीटर, फैन हीटर चालू रहने का टाइम फ़ैन बंद रहेगा, वन में रखेगा हीटर चालू है तो फ़ैन भी चालू रहेगा। तो आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट करना है। मैं इधर वन सेट किया क्योंकि हीटर यूज़ करेगा आपको फ़ैन भी ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आता है देखेगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है नंबर फाइव है। नंबर फाइव में क्या है देखेंगे अभी। नंबर फाइव में आके स्टेज वन हीट साइकिल है, स्टेज वन हीट साइकिल रेट है, CPH साइकिल पर हावर है। इसका मतलब आपका जो हीटर है वो वन हावर में कितना बार ऑन ऑफ होना चाहिए। तो हमको इसमें है बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो हमको सेट करना होता है 9 है फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इसमें 9 सेट करना है। इसमें 9 करने के लिए इसको मैंने इसको जो 9 रख दिया इसको, उसका बाद में नेक्स्ट प्रेस करेगा तो क्या आता है देखिएगा। उसका बाद में नेक्स्ट प्रेस किया, उसका बाद में 9 आ गया। 9 में क्या आता है, और एक बात है उसका बाद में 6 और 7 नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर वन में सेलेक्ट किया एक हीट को और एक कूल को सेलेक्ट किया है, तो इसलिए ये जो नहीं आया स्टेज टू हीट साइकिल नहीं आया। तो आप जो भी पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसका हिसाब से बाद में आएगा, मैं पहले बोला था, तो इसलिए ये जो ऑप्शन नहीं आया आपको स्टेज टू हीटर का, तो उसका बाद में 5 का बाद में सीधा आ गया आपको ऑप्शन नंबर 9 आ गया। ऑप्शन नंबर 9 में आ गया स्टेज वन कंप्रेसर साइकिल रेट CPH साइकिल पर हावर है। इसका मतलब यह है आपका जो कंप्रेसर है स्टेज वन का वो एक घंटे में कितना बार ऑन ऑफ होना चाहिए। उसका जो रिकमेंडेड दिया है फैक्ट्री रिकमेंडेड दिया है 3 बार दिया है, तो मैंने भी इसको जो सेटिंग किया है 3 में सेट किया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में देखेगा क्या है, इसको नेक्स्ट ऑप्शन प्रेस किया 12 आया, 12 नंबर आ गया। 12 नंबर में क्या आता है, मैनुअल ऑटो चेंज ओवर है। इसका जो हीट एंड कूल मोड है वो कैसा चेंज ओवर होने से, मैनुअल में आपको चेंज करना है और ऑटो में चेंज करने का वो पूछता है। अगर ज़ीरो में रखेगा मैनुअल में चेंज करना पड़ेगा हीट कूल को, वन में रखेगा ऑटो में चेंज ओवर हो जाएगा, और टू में ऑटो चेंज ओवर ओनली। इसमें जो भी है आपको आप देख के आप अपने हिसाब से सेट करना है। तो मैंने इसको अभी ज़ीरो में सेट किया है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखेंगे। अभी नेक्स्ट 14 आया। 14 में क्या है, टेम्परेचर डिस्प्ले है 14। अगर इसको 14 को ज़ीरो में रखेगा फ़ारेनहाइट में आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में दिखाएगा, अगर 1 में रखेगा आपका जो टेम्परेचर रीडिंग्स है वो सेल्सियस में दिखाएगा। मैंने भी इधर सेट किया है 1 में सेट किया, सेल्सियस में सेट किया है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे हम। ऑप्शन आ गया 15 नंबर है। 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर में इसका जो कंप्रेसर प्रोटेक्शन है, कंप्रेसर ये जो है सेटिंग है कंप्रेसर का सेफ्टी के लिए है। अगर मान लो आपका जो थर्मोस्टेट चालू करेगा आपका जो कंप्रेसर चालू हो जाएगा जो भी इधर टाइमिंग सेट करेगा उसका बाद में। अभी इसका जो रिकमेंड किया है 5 मिनट रिकमेंड किया है, 5 मिनट सेट करेगा आपको थर्मोस्टेट चालू करेगा 5 मिनट का बाद में आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका जो कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा। फिर रिस्टार्ट होने के लिए आपको जो भी टाइम सेट किया है उसका बाद में ही कंप्रेसर रिस्टार्ट होएगा।
तो मैंने भी इधर 5 सेट करेगा इसको 5 सेट किया। अगर आप एयर कंडीशनिंग में कंप्रेसर के लिए सेफ्टी टाइमिंग टाइम डिले दे रहे हैं, मिनिमम 5 मिनट देना चाहिए। छोटा 10 टन का अंदर का जो कंप्रेसर है वो मिनिमम 5 मिनट चाहिए आपको, तभी मैं इसको नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा। 27 में क्या है, इसका जो हीट टेम्परेचर रेंज स्टॉप्स है, आपका जो रूम में टेम्परेचर है मैक्सिमम कितना टेम्परेचर चाहिए वही पूछता है इसमें। मैं इसमें 30 सेट किया। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हीट मोड में ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, मैं इधर सेट करेगा 30। अभी हम चेक करेंगे दूसरे ऑप्शन में क्या आता है। अभी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है 28 में आ गया आपका कूल टेम्परेचर रेंज है, ये आपको मिनिमम रूम में टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो मिनिमम कितना तक सेट कर सकते हैं वो सेटिंग दिया है। मैंने अभी इधर 20 सेट किया है। अगर आपको नीचे करना चाहिए 18 20 10 तक आए गए सेटिंग जो है 10 तक आएगा, मैंने इधर 20 रखता है इसको। अभी ये हमारा पूरा सेटअप हो गया, अभी सब सारा ऑप्शन हो गया। अभी इसका बाद में ये सेव करने के लिए ये जो बटन है ये प्रेस करेगा, जो भी आप सेट किया है वो सेव हो जाएगा। बस इंस्टॉलेशन सेटअप में इतना ही है। अभी हम इसको जो रिले से कंप्रेसर का जो हीटर का फ़ैन का जो भी रिले से मैन्युअली हम लोग इसको जो टेस्ट करके देखेंगे वो कैसे करता है। अभी हमको इसको जो रिले है वो टेस्ट करने के लिए इसको वायरिंग करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसको वायरिंग करके रखा है पूरा। एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये सिंगल पोल ब्रेकर है एक सेफ्टी के लिए, और सारा वायर में कनेक्ट करके रखा है। ये जो 24 वोल्ट का जो लाइन आया RC में आ गया, और ये Y से कंप्रेसर का है, कंप्रेसर का आउटपुट है ये। इसमें से एक वायर गया इधर, में 3 इंडिकेटर लगाया इसको जो ग्रीन लाइट में गया, Y से सीधा एक वायर लेके ग्रीन इंडिकेटर लाइन पे गया, और C में 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर से एक लाइन आया, C में आ गया कॉमन में, कॉमन टर्मिनल में आ गया, फिर गया इंडिकेशन लैम्प में गया पूरा। ओके, फिर W से एक वायर गया इधर रेड इंडिकेशन लैम्प में दिया है W से, और G से एक वायर गया ये फैन में गया है। ये जो येलो इंडिकेशन लैम्प है फैन के लिए दिया है, और ग्रीन कंप्रेसर के लिए, और रेड हीटर के लिए दिया है। अभी चालू करके हम टेस्ट करके देखेंगे, अभी इसको मैन्युअली टेस्ट करके देखेंगे। थर्मोस्टेट के जो रिले को टेस्ट करने के लिए आपको ये जो इंस्टॉलर सिस्टम टेस्ट है मैनुअल का ज़रूरत है। ये मैनुअल में दिया है कैसा टेस्ट करना है, इसमें दिया है दोनों अप एंड डाउन जो पुश बटन है वो साथ में प्रेस करने का थोड़ा देर, तो आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा। उसमें ऑप्शन नंबर 10 है हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम में आपको हीटर और फैन चालू हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन आएगा कूलिंग सिस्टम नंबर 30 में कूलिंग सिस्टम आएगा। कूलिंग सिस्टम में 0 में रखेगा दोनों कंप्रेसर और फैन ऑन ऑफ है, 1 में रखेगा कंप्रेसर एंड फैन ऑन हो जाएगा। दूसरा है फैन सिस्टम, 0 में रखेगा फ़ैन ऑन ऑफ आएगा, 1 में रखेगा फ़ैन ऑन हो जाएगा। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए मैं अभी ये दोनों साथ में प्रेस करते हैं, दोनों साथ में प्रेस किया, अभी ऑप्शन 10 आ गया, ऑप्शन 10 आ गया। 0 में रखेगा फ़ैन एंड हीटर ऑफ है, 1 में रखेगा फ़ैन भी चालू हो जाएगा और हीटर भी चालू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अभी 1 में रखा फ़ैन और हीटर चालू हो गया, अभी 0 में रखेगा दोनों बंद हो जाएगा। अभी दूसरा कूलिंग सिस्टम टेस्ट करेंगे हम, 30 है कूलिंग सिस्टम चेक करने के लिए। 0 में रखेगा फ़ैन और कंप्रेसर बंद है, 1 में रखेगा कंप्रेसर और फैन चालू हो गया। अभी हम इसको 0 में रखेंगे बंद हो जाएगा। अभी दूसरा ऑप्शन है फ़ैन का,
फैन का 40 है, 0 में रखेगा फैन ऑफ है, 1 में रखेगा फैन ऑन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये जो थर्मोस्टेट का जो रिले है वो टेस्ट कर सकते हैं आप। इंस्टॉलेशन सेटअप करने के बाद में आपको ये रिले चलता है नहीं चलता है, अब इंस्टॉलेशन सेटअप बराबर किया है ये चेक करने के लिए आपको ये ऐसा सेट कर सक टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद हो गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये जो चैनल पे है ज़्यादा HVAC एंड इलेक्ट्रिकल का बारे में वीडियो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।